हेलो गाइस, आज ये क्लाइंट आए हैं हमारे यहाँ पे हेयर बॉन्डिंग की सर्विस कराने। सो इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस समझाएंगे किस तरीके से हम हेयर सर्विस करते हैं। सो सबसे पहले, बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हमारी रूट्स डैमेज हो जाएंगी हेयर पैच लगाने से, या ग्लू से हमारी रूट्स डैमेज हो सकती हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं, हम हेयर पैच को उनके हेड से उतार रहे हैं एंड नीचे आप देखें इनके हेयर ग्रो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। सो ये चीज़ आप माइंड से निकाल दीजिए कि आपकी रूट्स कभी भी डैमेज हो। अब जैसे हमने ये पैच को उतार लिया है, अब हम इनके हेड पे जो लगा हुआ ग्लू है उसको हम C22 से क्लीन करते हैं। इट्स ए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। इससे जो भी आपकी स्किन के ऊपर ग्लू लगी रह जाती है उस चीज़ को हम क्लीन करते हैं C22 सॉल्वेंट से। इसके बाद पूरे हेड को क्लीन करने के बाद जितने भी एरिया में आपके हेयर ग्रो कर गए थे दोबारा से, उन हेयर को ट्रिम किया जाता है जिससे दोबारा से उस पैच को लगा दिया जाए उसी एरिया के अंदर जिस एरिया में पहले लगा हुआ था। सो जैसे कि एक महीने बाद जब हम पैच को उतारते हैं तो ऑयलिंग होना बहुत जरूरी है आपके स्काल्प का। सो हम सर्विस के अंदर पूरी हेड मसाज वगैरह करते हैं। सब ऑयलिंग होने के बाद हम इनका हेड वॉश कराएंगे। एंड एक गुड न्यूज गाइस, सो हमने जयपुर के अंदर भी हम नई ब्रांच अपनी ओपन कर रहे हैं। सो आने वाले टाइम में जिन लोगों को भी हेयर पैच लगवाना है वो हमारी जयपुर वाली ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। एक नीचे मैं गूगल का फॉर्म दे रहा हूँ, सो जो लोग जयपुर में आने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो जाके अपनी इन्फॉर्मेशन भर दीजिए। जैसे हर बार हमारी नई ब्रांच के ऊपर एक डिस्काउंट रहता है, सो वो डिस्काउंट आपको उसी फॉर्म के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। सो अब जैसे हमने इनका हेड को बिल्कुल वॉश कर लिया है, अब नेक्स्ट इसके बाद इनकी हेयर जो ओरिजिनल हेयर ग्रो कर गए हैं साइड के, उनकी हेयर कट किया जाएगा। सो जितनी देर में बाकी प्रोसेस कंप्लीट हुआ है इतनी देर में हमारा हेयर पैच जो है वो रेडी हो चुका है। सो अब हम हेयर पैच के ऊपर टेप लगाएंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पहले एक ट्रांसपेरेंट टेप लगा रहे हैं पैच के अंदर। हम हमेशा दो बॉर्डर टेप की लगाते हैं जिससे वो सपोर्ट अच्छा रहे एंड ग्लू मेल्ट ना करे। सो सबसे पहले हमने नीचे रेड टेप लगाया है जो कि ट्रांसपेरेंट टेप है, एंड इसके ऊपर ये फिर ये कॉटन टेप होता है, एंड देन इसके ऊपर वो ग्लू लगाई जाती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि पैच के ऊपर डायरेक्टली ग्लू लगाई जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम डायरेक्टली पैच के ऊपर ग्लू लगाते हैं सो वो पैच को बहुत जल्दी डैमेज कर देता है। सो जब भी हम ग्लू लगाएंगे वो हम उस टेप के ऊपर लगाएंगे जिससे कभी भी अगर ग्लू मेल्ट करे तो वो पैच के अंदर ना जाए। अब हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करे जाते हैं सर्विस के अंदर जिससे आपकी स्किन के ऊपर इचिंग वगैरह ना हो। ये सुथॉल है, ये हम यूज़ करते हैं आपके हेड के ऊपर जिससे इचिंग बिल्कुल भी ना हो आपके स्काल्प के ऊपर। इसके बाद ये स्काल्प प्रोटेक्टर होता है, ये बेसिकली आपकी स्काल्प को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इचिंग, फ्रॉम रेडिशनेस, एंड ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्विस पे। एंड हल्का बहुत ये जलन करता है जब भी हम किसी की स्किन पे लगाते हैं बिकॉज इट्स काइंड ऑफ आफ्टर शेव, सो हल्का बहुत वो जलन करेगा। देन इसके बाद ये हमारी ग्लू होती है अल्ट्रा होल्ड, ये हम आपके साइड पोर्शंस में लगाते हैं, मिडल में हम उसको फ्री छोड़ते हैं जिससे आपके पैच के अंदर एयर का फ्लो बना रहे एंड आपकी स्किन को प्रॉपर एयर मिले। अब इसके बाद हम आपके पैच को फिक्स कर देंगे उस ग्लू के ऊपर, एंड फिर ये 25 डेज के लिए आपके स्काल्प के ऊपर फिक्स हो जाएगा। गाइज ये चीज नोट कर लीजिए, जो टाइमिंग होता है ये 25 से 30 डेज के बीच में होता है एंड इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन स्किन टू स्किन। किसी की स्किन ऑयली होती है, किसी की स्किन ड्राई होती है। सो ऑन एन एवरेज जो सर्विस का पीरियड होता है दैट इज 25 to 30 डेज। एंड ये फ्री स्टाइल पैच है सो आप कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं जिस तरीके से भी आप हेयर स्टाइल बनाना चाहें।
जैसे कि आपने देखा स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ डिफरेंट स्टाइल रखा था, अब उन्होंने कुछ डिफरेंट स्टाइल रखा है. पहले उन्होंने पार्टीशन रखा हुआ था एंड अब उन्होंने बिल्कुल फ्री पैच रखा है. तो इस तरीके से आप कभी भी हेयर स्टाइल को अपने पैच में चेंज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही हेयर स्टाइल रहेगा. सो अगर इस वीडियो के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली हो रिगार्डिंग सर्विस एंड अच्छी लगी हो वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड आगे आप किस किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आए उसको कमेंट जरूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना.